वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोला, खबर अच्छी है या बुरी? मैम साहेब, खबर अच्छी भी है बुरी भी। साफ साफ बताओ भोला। अच्छी खबर यह है कि जयदेव बाबू जिंदा है, और बुरी खबर यह कि मर मर के जिंदा है। अच्छी खबर यह है कि आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और बुरी खबर यह कि सारा दिन शराब पीने के बाद भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं। अच्छी खबर शायद यह भी है मेम साहब कि उनका दिमाग कहीं इस बात को मानता है कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, और बुरी शायद यह कि उनका दिल उनके दिमाग की बात को समझ नहीं पा रहा है। अच्छी बात है, ना आज तक कभी मैंने उन्हें देखा है ना उन्होंने मुझे, फिर भी कितना प्यार करते हैं वो मुझसे, जिसे आज तक देखा ही नहीं उसका आंखों के सामने ना होने का इतना गम। मैंने क्या कर दिया? आपने कुछ नहीं किया मेम साहब, सब किया कराया मेरा था। अब और वक्त बर्बाद मत कीजिए, चले जाइए जयदेव बाबू के पास और उनकी ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। वो भी देख लें कि उनकी स्मृति मरी नहीं बल्कि जिंदा है। कैसे जाऊं मैं भोला, जिस आत्मा ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। उसका तरीका ढूंढ लाया हूँ मेम साहब। वापस आते समय टेकरी वाले शनिदेव मंदिर गया था, वहां से ये आईना लेके आया हूँ। कहा जाता है कि ये शनि महाराज की नजर है, आत्माएं दूर भागती हैं इससे। आप इसे अपने पास रख लीजिए और तुरंत जयदेव बाबू के शहर की तरफ निकल जाइए। वो आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेम साहब, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
मैम साहब, अंधेरा हो गया है, कोहरा भी बहुत है, रास्ता दिखाई देने में दिक्कत होगी। क्यों ना आज रात यहीं गेस्ट हाउस में रुक जाए? बद्रीनाथ जी, जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। अब मंजिल पर पहुँच के ही रुकेंगे हम। जी, जैसी आपकी इच्छा। ये कैसी आवाज थी, आपने सुना? जी सुना। ऐसा लग रहा है कोई मुसीबत में है और मदद की जरूरत है उसे। जी अभी देखता हूँ। नहीं मिलने दूंगा तुम दोनों को। भैया फिर से पूरी रात पीते रहे आप, क्या हो गया है आपको भैया? बात क्या है? हाँ करुणा, आज 25 अक्टूबर है, मैं उसे आज के दिन मिलने वाला था। जानती हूँ, लेकिन वो बात 2 साल पुरानी है भैया। स्मृति को मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। अरे जिस लड़की को आपने कभी देखा ही नहीं, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुले हुए हैं आप? जो बीत गया वो गुजर गया। नहीं करुणा, सब कुछ वहीं ठहरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर हमसे हमारा सब कुछ छीन कर भी हमें जीने की चुनौती क्यों देता है? क्यों? ऐसा क्या छीना है उसने आपसे भैया? सब कुछ तो है आपके पास। जयदेव वर्मा है आप, इस देश के सबसे काबिल, सबसे मशहूर शायर है आप, और क्या चाहिए आपको? जिंदा रहने की वजह। सब कुछ है मेरे पास, सांस लेने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, पर जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं। याद है भैया, एक वक्त था जब मैं हताश और निराश हो गई थी, आपने मुझसे क्या कहा था? जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए,
जीने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह जरूर होती है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो वो हमें अपने पास बुला लेता है। है ना? आप ही ने समझाया था और अब आप ही। चलो छोड़ो, मैं खाला से कह के आपके लिए गरम गरम नाश्ता बनवाती हूँ, ठीक है? आज घर पे रहने का मन नहीं कर रहा है, मैं बाहर जाकर लिखना चाहता हूँ, अकेला। कुछ सवाल कुछ जवाब, जिंदगी का खालीपन तो नहीं भर सकता लेकिन कागज का खालीपन तो भर सकता। कहता है जिंदगी तू क्यों मुझ में फिर मिलता नहीं, देता है ऐसा सफर क्यों है मंजिलें जिनकी नहीं। कह दे खुदा है कैसा खुदा तू जो बस में तेरे कुछ नहीं, हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। साथ क्यों देता नहीं, क्या है खफाया है बेवफा तू जो सुनता मेरी कुछ नहीं, हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। तो है, सुनिए, आंखें खोलिए, सुनिए। ये किसे ले आए हो भैया, कौन है ये? नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी, भगवान का शुक्र है कि मेरी नजर पड़ गई। लेकिन भैया ये है कौन, कहां से आई और इसकी पहचान क्या है? सारे सवालों का जवाब बाद में भी जाना जा सकता है करुणा, पहले इसकी देखभाल करना जरूरी है। खाला ये ना जरा प्लीज। जी, जी, लेकिन खाला ये लीजिए। हाँ ये लो बेटा, इसके कपड़े गीले और गंदे हैं बेटा। मैं गफूर को दे देती हूँ। अच्छा, कैसी है अब वो? उसकी तबीयत तो वैसी ही है, मैं चंदन का लेप लगा रही हूँ उसे। ठीक है चलो। हाँ भैया, आपको नहीं लगता हमें कोतवाली में खबर करनी चाहिए उसके बारे में? मेरा मतलब है ये कौन है, कहाँ से आई है, ये सब हमें ये सब जब हम जानेंगे तभी तो किसी को बता पाएंगे करुणा। थैंक यू काला,
अभी हम कोतवाल से क्या कहेंगे? हमें तो यही नहीं पता कि वो है कौन, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ के रहने वाली है। करुणा, शायद जानता सा हूँ मैं इसे, कैसे क्यों ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं उसके करीब गया था तब महसूस हुआ, और तब तक तो मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, पर लगा कि वो कोई अजनबी नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एहसास मेरे ख्याल की उपज नहीं है। क्या नाम है आपका? पता नहीं। किसी ने आप पर हमला करने की कोशिश की है? मैं नहीं जानती। आप किसी से बच के भागने की कोशिश कर रही हैं या फिर कर रही थी? पता नहीं। क्या आपकी जिंदगी में कोई खतरा है या फिर किसी से खतरा महसूस करती हैं आप? पता नहीं, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आखिर कुछ तो याद होगा आपको, कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए मैडम, कुछ भी ऐसा जिससे हम आपके बारे में कुछ तो जान सकें। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे में उसकी हालत सुधर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मैं खुद देख कर आ रही हूँ, वो ठीक है और सफर भी कर सकती है। अब आप उसे विदा क्यों नहीं कर देते? याददाश्त खो गई है, ये उसकी समस्या है, और किसे पता, शायद उसे सब याद हो और ये याददाश्त खो जाने का बस एक दिखावा कर रही हो। किसी का कत्ल किया हो या किसी को लूटा हो और फिर पुलिस से बचने के लिए याददाश्त खो जाने का बस एक बहाना बना दिया हो। कभी शब्दों के संसार से बाहर निकलकर हकीकत को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए भैया। Thank you.
अपनी हर कमी में हम अब तुझे ही पाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। हम तेरी निगाहों से खुद में झिलमिलाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तुझसे अपनी रातों को सुबह हम बनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। बोल भी मेरे हैं, लेकिन इसे सुन, किसने दिया? इसे संगीत में किसने डाला? तुमने इसे कहां सुना? मैं नहीं जानती, बस होठों पे अपने आप आ गया ये गीत। अगर राहों में कुछ मुश्किल ना आए तो मैं चाहूंगा कि मंजिल ना आए, मैं उसको भूल जाऊं एक पल में, बशर्ते बीच में ही दिल ना आए। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? तुम मेरी कविता कैसे? ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। समय के कौन से हिस्से में मेरी यादें खो गई है? एक सवाल बन के रह गई हूं मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं। आज फिर कुछ ऐसा है जो जानना जरूरी है। बोलो, बताओ आज क्या बताना है, बोलो, बुलाया है तो बोलो। कब्रिस्तान से परिंदा उड़ा है, इसका मतलब कोई पूरी आत्मा उठेगी। तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों, किससे? वो मेरे कमरे में किसी के हंसने की अजीब सी आवाजें आ रही है। क्या, हंसने की? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, चलो। Oh.
तुम सही कह रही हो, मुझे भी हंसी सुनाई दे रही है। पत्तों के हिलने की आवाज थी। चलो सही नहीं है। तुम ये लालटेन ले जाओ, रोशनी होगी तो डर नहीं लगेगा। जाओ। पीछे बैठा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो चलो मेरे साथ। मुझ तक आई हो, इतना तो तय है कि जीने की उम्मीदें लाई हो, तो अपना सा है अपने में जो नाम, उसे क्या दे,
या फिर इस एहसास को हम बेनामी रहने दें। अपनी सी लगने लगी हो, जीने की उम्मीद है, नाम क्या दे? अपनी कविता में किसकी बात कर रहे थे भैया? अपने दिल की। कल रात कुछ ऐसे ही ख्याल आया और कविता बन गई। ख्याल यूं ही आया या किसी को देखकर आया? जिक्र तो उसी का है ना, जो हमारे घर पर हमारे साथ रह रही है। शैतान है उसमें। पूनम की रात सहमा सा एकांत कब्रिस्तान से एक परिंदा उठा है, एक आसुरी आत्मा उठी है। मैंने उस परिंदे को तुम्हारे घर पर बैठे देखा है, मतलब उस आसुरी आत्मा के कब्जे में है तुम्हारा घर। जिसे अपने घर में रखा है उसे घर से बाहर निकाल दो। अपने साथ अपने अंदर उसी आसुरी आत्मा को लेकर आई है वो तुम्हारे घर। लाचार बना देगी हमेशा के लिए, बचेगा तो सिर्फ कंकाल बचेगा, याद रखना। अच्छा, और लिखना कि फातिमा बिटिया तुम अपनी सेहत का ना पूरा ख्याल रखना। हाँ, बाकी हम सब यहाँ बढ़िया है, है? और हाँ, इस बार जब तुम ईद पर मिलने आओगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें। अच्छा खाला, मौका मिलते ही पाला बदल लिया, अब आप हमसे खत नहीं लिखोगी? नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं। मैंने सोचा एक बेटी को खत अगर मेरी दूसरी बेटी लिखेगी तो शायद एक माँ की बात ज्यादा समझ पाएगी वो, है ना? है ना बेटा? लाओ मुझे दो, हम इसे कल पूरा करेंगे, ठीक है? जी। अरे गफूर जान, चलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से खाना लगा दो। अगर तुम्हारे पास नाम चुनने की आजादी हो तो तुम अपने लिए कौन सा नाम चुनना पसंद करोगी? लाओ जी, मैं कुछ समझी नहीं। हमें तुम्हें किसी नाम से तो बुलाना होगा, है ना? तो अगर आपको मेरे लिए कोई नाम चुनने की आज़ादी मिले तो आप मेरे लिए कौन सा नाम चुनेंगे? जिसने मेरे गीत को संगीत दिया है उसके लिए संगीता से अच्छा नाम और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा नाम है। बर्ताव करने का, किसी के बारे में बात करने का? भैया इसे कहो हमारे घर से चली जाए, ये हमारे घर पर बात कर देगी, हमें तबाह कर देगी, हमारे सब कुछ छीन लेगी। भैया भैया आपको याद नहीं है उस आदमी ने क्या कहा था? उसने कहा था ये अपने अंदर किसी बुरी आत्मा को लेकर आई है। भैया इसे कहो यहाँ से चली जाए, जाओ। संगीता, संगीता दरवाजा खोलो, संगीता, 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 रुक जाओ संगीता, दूर रहो मुझसे, मेरे साई से भी दूर रहो। करुणा सही है, बुरी आत्मा लेके आई हूँ तुम्हारे घर में। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ।
मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, सबके लिए ठीक होगा। संगीता ये क्या पागलपन है, मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। यहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं है, ना तुम्हें ना तुम्हारे साथ, ना ही तुम बुरी हो। जिसे जो कहना कहने दो, मुझे यकीन है। कैसे यकीन है तुम्हें? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम जान भी कैसे सकते हो? मैं खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती हूँ। बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं। एक मिनट संगीता, ठीक है, मान लिया कि तुम बुरी हो और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम बेताशा भागकर इस घर से दूर जाना चाह रही हो, किस लिए, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें या किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचे। तो ये सोच किसी बुरे इंसान की हो सकती है? तुम्हें हमारी तकलीफ की फिक्र क्यों होती? हम जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, अगर तुम वो हो जो तुम अपने आप को मान रही हो? बताओ, जवाब दो। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, उस दिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे जीने की कोई वजह दे। फिर तुमसे मुलाकात हुई, इसका कुछ तो मतलब होगा। शायद ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी हिफाजत करूं। संगीता, मैं कुछ जानू या ना जानू, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो मेरे जीने की वजह है। किसी बुरे इंसान को तो नहीं बना सकता, है ना? हाँ, कुछ तो गलत है, ये मैं भी मानता हूँ। अभी कुछ महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में एक नई मशीन आई है, जिसे एक्सरे मशीन कहते हैं। उस मशीन के जरिए हम इंसान के अंदर के अक्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम उस एक्सरे मशीन से इनका एक्सरे ले लेते हैं, कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अगर फिर से इन्हें ऐसा दौरा पड़ा तो? डोंट वरी, रिपोर्ट आने तक ये यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे। हो सकता है कुछ और जांच करनी पड़े, यहाँ ये हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। Oh.
मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैम जो आप कह रही हैं वो नहीं हो सकता है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ सिस्टर, वो पागल बूढ़ी औरत है उस कमरे में सिस्टर, वो मैम उस कमरे में जो औरत है वो मर चुकी है। मैंने अब तक की प्रैक्टिस में कई उलझे हुए केसेस को देखा है, लेकिन इस केस ने मुझे उलझन में डाल दिया है। यहां ये यह देखिए, यह पसली है और यह है कंधे की हड्डियां, लेकिन यह क्या है? कुछ हाथ जैसा लग रहा है, लेकिन किसी के हाथों की हड्डियां यहां गर्दन पर कैसे हो सकती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथों ने इनकी गर्दन को जकड़ा हुआ है। तो फिर आप दूसरा एक्सरे क्यों नहीं लेते? उसमें फिर 24 घंटे लग जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा, हमारी एक्सरे मशीन खराब हो सकती है, एंड वी डोंट हैव द टाइम। इसलिए मेरी राय में आप इन्हें शिमला के सिविल हॉस्पिटल में लेके जाइए। ये रिपोर्ट भी साथ में लेकर जाइए और वहां के सीएमओ डॉक्टर एल्बर्ट चर्चिल से मिलिए। हो सकता है वो इस केस को समझ सकें और आपकी कुछ मदद कर सकें। तो अब आप इस लड़की को लेकर शहर जाएंगे? दिमाग खो दिया है आपने अपना? मैंने अपना दिमाग तो नहीं खो दिया है, पर तुमने अपनी इंसानियत तो जरूर खो दिया। लेकिन भैया वो करुणा, मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है या फिर मेरा अंजाम क्या होगा। मैं ये भी नहीं जानती कि आपसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी या नहीं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है जबकि मैंने आपको बहुत तंग किया है। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना भैया। संगीता, इस दुनिया में हर किसी का इलाज तो नहीं हो सकता, पर फिलहाल तुम्हारा इलाज हो जाए ये बहुत जरूरी है। हमें देर हो रही है। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों। तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों। जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता। क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या। पर अजनबी
अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। घोड़े बहुत थक गए हैं, कुछ ही देर में रात होने वाली है, रात यहीं गुजारना मुनासिब होगा। ठीक है। जी कहिए। आज रात के लिए दो अलग अलग कमरे चाहिए, और दोनों कमरे एक दूसरे से लगे हुए हो तो बेहतर है। अलग और एक दूसरे से लगे हुए? जी मिल जाएंगे, जी जरूर मिल जाएंगे। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। ये अलग बात है, हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक जमाने से है। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। हर वक्त हर कहीं है, बस वो यही नहीं है। डर से डरा डरा है, उसको यकीन नहीं है। वो चाहता है अपना हर गम कहीं छुपाना, पर राह में खड़ा है गुजरा हुआ जमाना। खुद है वो बेखुदी में, पर जानती है उसको पहचान, खुद की गुम है पहचानती है उसको। उसने भी खो दिया है खुद को, तो क्या हुआ है, एक अजीब सा अपना अब उसको मिल गया है। एहसास ऐसा क्यों है, क्या मुझ में खास सा है, या मेरे खालीपन में कोई अक्स दिख रहा है। बाहों में जन्नत आ गई खुशनुमा, तुम जो हुए हो मेहरबान। जिस्म से जिस्म का यूं तारुफ हुआ, हो गए हम सनम रूह तक आशना। एक जरा जो चले दो कदम साथ में, मिल गया है हमें जिंदगी का पता। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। अनजान हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों। तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो, तो मुझ में जगते हो क्यों। जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, अपना मुझे तू लगा। क्या नाम था उसका? क्या फर्क पड़ता है इसे? अब जब वो ही नहीं है तो जो भी नाम था उसका,
जो भी थी वो बहुत खुशकिस्मत थी। कौन है? जयदेव आप हैं? दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लगता है सो रही है। कोई है? कोई है? सुनिए, आपने भी मेरे दरवाजे पे दस्तक दी थी? जी हाँ, दरअसल कोई तलाश करने आया था आपको। उसके पास आपकी एक तस्वीर थी और आपके बारे में पूछ रहा था। उसने कहा कि जो यादें आपने खो दी हैं वो उसके पास है। मेरी यादें? मेरी यादें उसके पास है? कहाँ गया वो? बस अभी अभी गया यहाँ से। ढूंढ रहे थे? आप तो हमारे कोचवान हैं ना? Him!
यादें वापस आ गई है जयदेव, मुझे सब याद आ गया है जयदेव, मुझे सब याद आ गया है जयदेव। मैं तकलीफ जब होती है तभी विश्वास होता है। ऐसा क्यों होता है? माफ कीजिएगा, बिना इजाजत के आपके घर में आ गया। वो दरअसल मैं आपको तलाश कर रहा था। तलाश? सारा खेल तलाश का ही तो है। वो गांव वाले ने मुझे कहा था कि आप यहां मिलेंगे, इसलिए मैं यहां चला आया। आना ही था, तुम यहाँ आओगे बताया था उन्होंने। उन्होंने? किन्होंने? गांव वालों ने? क्या फर्क पड़ता है? क्यों तलाश कर रहे थे मेरी? आपने कहा था कि जिसे घर में रखा है उसे घर से निकाल दो, क्योंकि वो एक बहुत बुरी आत्मा लेकर आई है। आप ये बात यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं यकीन करता हूं उन पर। उन्होंने कहा था तुम्हें बताने को, चेतावनी देने को, इसलिए बताया। किसने कहा था तुमको? पर तुमने नहीं सुना। क्या चाहते हो मुझसे? इससे पहले कि मैं आपको उसके पास ले चलूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 दिनों से उसने ना कुछ खाया है, ना कुछ बोला है, और ना ही अपनी आंखें खोली हैं। यही ना? जी। अब मैं मिल सकता हूं उससे? जी, आइए।
बिल्कुल सही नाम बताया तुमने मेरा। फिर तो तुम्हें मेरे पिता का नाम भी पता होगा। भैरोलाल, उसके बाप का नाम चंपकलाल, उसका बाप नाथूलाल, उसका बाप केशव, रामलाल, नादो, किशन, श्याम, चतुर, चुनीलाल। तेरी सारी पुश्तों के नाम जानता हूँ बंकिमलाल। ये सब क्या था? क्या हुआ संगीता को? वही जो नहीं होना चाहिए था। गिरफ्त में है वो एक पूरी आत्मा के, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। मतलब हर पूरी आत्मा का एक इरादा होता है। ये आत्मा भटक रही थी इधर उधर, लेकिन जब ये लड़की मिली तो उसने उसके जस्म में पनाह ले ली। इस तरह की बुरी आत्माएं रात के अंधेरे में उठती हैं किसी खास इरादे से या किसी खास शख्स के लिए। इन बुरी आत्माओं को या तो अपने लिए कुछ हासिल करना होता है या लेना होता है किसी तरह का इंतकाम। तो अब हमें क्या करना चाहिए? का सच निकली, सी का डर था मुझे। नई आत्मा है ये, जो किसी खास मकसद या इरादे से उठी है कब्र से। पुरानी रूहें जो मंडराती रहती हैं अंधेरे और रोशनी में, उन्हें दोनों की आदत हो जाती है, लेकिन इसे नहीं है। अब हम क्या करें? सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लड़की कौन है और कहाँ की रहने वाली है। इसके आज को ठीक करने के लिए इसके बीते हुए कल में जाना होगा। इसलिए इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बता दो मुझे। क्या हुआ? काश हम बता पाते। जब यह हमें मिली तो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, लिहाजा हमें नहीं पता कि ये कौन है और कहां से आई है। बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है ये।
जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं हम। मुझको पूछना होगा उनसे, अब वही मदद कर सकते हैं, मेरी करनी ही होगी। किनसे? कौन है वो जिनका बार बार जिक्र करते हैं? कब्रें, मेरी कब्रें। समय नहीं है लड़की के पास, मदद करो मेरी ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। समय नहीं है, नहीं है बिल्कुल। बोलो, हाथ नहीं लौटा सकते। उम्मीद है लड़की ने अपनी यादाश्त हासिल कर ली है। क्या लड़की को अपनी यादाश्त वापस आ गई? अब उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमें बता सकती है कि वो किस रोग की कैद में है। पर अगर संगीता उसके वश में है तो वो आत्मा उसे अपनी पहचान बताने की इजाजत क्यों देगी? ये सवाल करने का नहीं, जवाब ढूंढने का वक्त है। तुमने उस लड़की को अपने वश में कर रखा है, विवश कर रखा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं उस लड़की ने अपनी यादाश्त वापिस हासिल कर ली है। बात करनी है मुझे उस लड़की से, बात करनी है मुझे। संगीता, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन पा रही हो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच पा रही है। मदद करो हमारी संगीता ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। इस आसुरी आत्मा की पहचान करनी होगी, जरूरी है ये। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, शिकंजा कसता जा रहा है। हमें पता है हम सच के करीब आ रहे हैं, वो सच जो तुम्हारा विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा तुम्हें। ओ,
संगीता, संगीता, मैं जानता हूं तुम यहां हो। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम मदद करो मेरी। एक संकेत दो, सिर्फ एक संकेत, कोई भी कैसा भी, फिर तो हम इसे देख लेंगे, औकात मिल जाएंगे इस क्वेस्ट की। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। बाबू साहब, फातिमा नाम से वो क्या संकेत देना चाहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद फातिमा उसका नाम हो। एक और फातिमा है। कौन? सब मेरी बेटी, लेकिन वो तो शहर में रहती है। और संगीता बिटिया के साथ उसका क्या लेना देना हो सकता है? यहाँ रहते हुए संगीता को कभी उसके बारे में पता चला? नहीं सब, मेरे समझ में तो नहीं आता, लेकिन एक बार इस बारे में बात जरूर की थी। और हाँ, फातिमा को चिट्ठी मैंने संगीता बिटिया से ही कहा था लिखने के लिए, लेकिन वो चिट्ठी भी अभी तक अधूरी है। कहाँ है वो चिट्ठी? जी, वो चिट्ठी मेरे पास है। जाओ लेके आओ। ये लीजिए। जयदेव वर्मा अभी अभी चले गए यहाँ से, बस चंद पलों की देरी हो गई आपके आने में। चले गए? सोचा था कि उनकी कविता उनकी लबों से सुनूंगी, लगता है कुछ और दिन उनके शब्दों के सहारे गुजारने पड़ेंगे। थैंक यू। उसका हूँ उसमें हूँ उसे हूँ उसी का, रहने दे मैं तो मुझे घर दे गली।
जयदेव वर्मा, जयदेव वर्मा की चिट्ठी आई है। ओह माय गॉड, जयदेव वर्मा की चिट्ठी आई है। जयदेव वर्मा ने मुझे बना उसका ही बना। साहिब, आप जयदेव वर्मा है ना? हाँ मैं ही हूँ जयदेव वर्मा, लेकिन आप? एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? 4 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई। स्मृति मेम साहब सीढ़ियों से गिर गई। स्मृति मेम साहब मर गई साहिब। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी, पर ये मुझसे वादा कर। उसके इश्कों पे गमों पे दुखों पे हर उसके जख्म। उस वक्त जब मैंने सुना तो मैंने सच में मान लिया कि अब ईश्वर पर मेरा यकीन और बढ़ गया है। अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार मरने नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है स्मृति, वादा है। बेटा, अल्लाह ना करे अगर इस सफर से कुछ ना हासिल हुआ तो, और उस पति पर कोई ना मिला तो। बेटा 2 साल भी तो हो चुके हैं। जानता हूँ खाला, लेकिन यही एक रास्ता है ये जानने के लिए कि आखिर स्मृति के साथ हुआ क्या था, क्यों उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ा और अपने खुद की मौत की खबर मुझ तक पहुँचानी पड़ी। इस झूठ का सच जानना बहुत जरूरी है। दो साल पहले स्मृति आपके घर में रहती थी ना, तो क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? स्मृति? हाँ, वायलिन सिखाती थी मेरे बच्चों को। बहुत शांत और सुशील स्वभाव की लड़की थी, मुझे अभी भी याद है। उसने कहा था बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। एक कवि हैं जयदेव वर्मा नाम के, जिनसे वो प्यार करने लगी थी, और वो भी उनसे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। दोनों के बीच में सिर्फ खतों के जरिए प्यार हुआ, और इकरार भी। फिर कुछ 2 साल पहले जयदेव वर्मा खुद स्मृति से मिलने आए थे। क्या? जयदेव वर्मा यहाँ आए थे? जी, वो स्मृति से शादी करना चाहते थे और स्मृति भी उनसे। फिर 2 दिनों में ही वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या आपको पूरा यकीन है कि जो आदमी यहाँ आया था वो जयदेव वर्मा ही था? जी पूरा यकीन है। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि जयदेव वर्मा मैं हूँ, स्मृति से प्यार मैंने किया है, तो फिर यहाँ आकर मेरी स्मृति को मुझसे दूर कौन ले गया? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो दिखने में कैसा था? लगभग आप ही की उम्र का, और 2 साल हो चुके हैं तो मुझे ठीक से याद नहीं। अच्छा, क्या आपको पता कि वो लोग यहाँ से कहाँ गए, कौन सी जगह पे? हाँ, बड़ा गाँव। कह रहे थे कि हम बड़ा गाँव जाकर अपना घर बसाएंगे। छोटा सा गांव है पहाड़ों में। एक होती सुलझती तो 50 सुलझती है, अब बड़ा गांव जाकर किसे ढूंढूंगा? लेकिन एक अजीब बात है, आपसे पहले भी यहाँ कोई आया था और आप जैसे ही सवाल किए थे और कहा कि अब जो भी सच्चाई है वो बड़ा गांव जाकर ही खुलेगी। मुझसे पहले कौन आया था? पूरा नाम तो नहीं पता, पर सिर्फ पहला नाम बताया था, करुणा। पता नहीं
चली गई। अब इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं लौटी तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही है बेटा उसकी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने चांद को बताया कि उसने उसे इस जंगल में बढ़ते हुए देखा है और मैं यहाँ आ गई बेटा। खाला यहाँ आइए जल्दी जल्दी आइए। जब आप ये पढ़ेंगे तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। स्मृति के बारे में जानने के लिए आप जिस जगह गए थे वहाँ ये भी जान गया होगा कि मैं भी वहाँ गई थी। आप वापस आते और मुझसे पूछते कि वो क्या सच है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। लेकिन भैया वो सच ऐसा है कि जीते जी मैं आपसे कह ना पाती, इसीलिए और उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा, मेरी तरफ बढ़ता चला रहा था। इस बात में कोई शक नहीं कि गुलाब का कोई जवाब नहीं। खूबसूरत होते हैं इसलिए भी और कांटों के बीच खिलते हैं इसलिए भी। जी आप, हम पहले मिले हैं। तो तशरीफ ले आए तुम। स्वागत है स्वागत है। ये है मेरी बहन करुणा और करुणा ये है मेरा सबसे करीबी दोस्त अमर। कविताएं मैं लिखता हूँ लेकिन शब्दों का जाल ये बुनते आए हैं वो भी यूनिवर्सिटी के दिनों से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कुछ पल रहा है। एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी नहीं, वो चाय बहुत गर्म है। संभाल के। एक परवाने की तरह शमा की तरफ मैं खींचती चली गई। मुलाकात प्यार में बदल गई। इससे पहले कि मैं जयदेव से तुम्हारा हाथ मांगूं, मैं खुद को साबित करना चाहता हूं करुणा, लेकिन इसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना है। बस एक आखिरी किस्त और मेरा नया बिजनेस मेरे हाथों में आ जाएगा। करुणा ये क्या है? मेरी माँ के कंगन, उन्होंने मेरी शादी के लिए सहेज के रखे थे। अब नहीं करूँगा मैं। अमर, इनकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं इनका क्या करूंगी? किस्मत वाला हूं मैं जो मुझे तुम मिली हो। उसने अपने शब्दों के जाल में मुझे फंसाकर मेरा शिकार तो कर लिया, लेकिन इसे मेरी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, एक दिन शायद ख्याल से सोच के हिसाब से, मतलब तुम उसे जानते नहीं हो, और अगर जानते नहीं हो तो प्यार कैसे कर सकते हो, और वैसे भी बिना ही जाने कि वाकई में दिखती कैसी है। दोस्त, मोहब्बत ने आंखों से कब देखा है? नहीं समझे, नहीं समझोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे ही दिखती होगी क्योंकि उसने अपने खतों में खुद को जैसे बताया है जैसे ही बताया है। जयदेव, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दीवानों की बातें सिर्फ दीवाने समझते हैं। मैं इसे प्यार करता हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्यार अनदेखा है। बहुत रूमानी मिजाज की लगती हैं। जो भी हो, इन्हें भी तुम्हारी तरह शब्दों से खेलना खूब आता है। अगले महीने 25 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं उसके 19वें जन्मदिन पर। वो चाहती है कि हमारी मुलाकात उसके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा हो। मैं भी जानने को बेसब्र हूं कि वो दिखती कैसी है। उस दिन मेरी समझ में आया कि अमर हमारे घर दोस्त बनकर नहीं आया था। उसका मकसद
कुछ और था। क्या है ये? मैं सोच ही रही थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लव लेटर्स तुम क्यों चुराना चाहोगे? अब समझ में आया, तुम लेटर्स नहीं एनवेलप चुराना चाहते थे स्मृति के एड्रेस के लिए। मुझसे दिल भर गया तो अब स्मृति को फंसाने चले हो तुम? बोलो। आधी बात समझ गई तुम, स्मृति को फंसाना चाहता हूं सच है, लेकिन तुमसे दिल नहीं भरा क्योंकि तुम पे दिल कभी आया ही नहीं। मैं तो सिर्फ जयदेव के घर में घुसकर उसकी बहन के साथ। दुख तो बहुत होगा भैया को, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त की असलियत तो उन्हें बतानी पड़ेगी ना। जरूर बताओ, बताना भी चाहिए तुम्हें, लेकिन साथ में यह भी बताना कि हर रोज उनके सोने के बाद तुम मेरे कमरे में आती थी। यह भी बताना कि हर रात तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सुबह तक सोया करती थी। यह भी बताना कि अब जब मैं जा रहा हूं तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी से पहले जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ सो जाती है तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है ये सब जानते हैं। और अपनी हरकतों से तुमने अपने खानदान की इज्जत जिस तरह नीलाम की है ये भी बताना प्लीज। You bastard! How dare you? जिंदगी के हर मोड़ पर जयदेव मुझसे आगे रहा, स्कूल कॉलेज पढ़ाई शोहरत पैसा हर जगह। जलन होती है मुझे उससे, बहुत जलन होती है, इतनी जलन कि सुबह शाम उठते बैठते बस उसे बर्बाद करने के बारे में सोचता रहता हूँ। सारी जिंदगी सिर्फ इसी मौके की तलाश करता रहा कि कुछ ऐसा करूं कि जो उसे चाहिए वो मेरे पास हो, ताकि वो भी मेरी तरह चले, मेरी तरह तड़पे। और आज 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 वो मौका मुझे मिल गया है। अब स्मृति मेरी होगी और जयदेव तड़पेगा, अब मैं चैन की नींद सोऊंगा और वो इस आग में चलेगा। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन कैसे बताती कि मैं अमर के साथ बिन ब्याहे, कि मैंने हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। और फिर उस रोज आप स्मृति को लेकर घर आए, स्मृति को खुद याद नहीं था कि वो कौन है, लेकिन मैं समझ गई। ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि संगीता ही आपकी स्मृति है, लेकिन जब ये पता चला कि शायद वो अमर की आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है, तो मैं सारी सच्चाई जानने के लिए वहाँ गई जहाँ आप आज गए थे, और वहाँ से बड़ा गाँव गई जहाँ मेरे किए की सज़ा एक मासूम लड़की भुगत रही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको जो भी पता है प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मेरे पति और मैं अमर साहब के बंगले पर नौकरी करते थे। इस थैली में इतने पैसे हैं जितने तुम 10 सालों में नहीं कमा पाओगे। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, कल सुबह चर्च में तुम्हें एक आदमी मिलेगा, तुम्हें उसे बस ये कहना है कि स्मृति के साथ एक दुर्घटना हो गई और वो मर गई। उस आदमी का नाम है जयदेव वर्मा। तो साहब आप जयदेव वर्मा नहीं है? नहीं, मैं जयदेव वर्मा नहीं हूं। ये देखो, इस जहां में हमारा एक छोटा सा जहां, इस बड़ी सी दुनिया में हमारी एक छोटी सी दुनिया, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा, जहां हम सबसे छुप कर रह सके, अपने सपनों को सच्चाई में बदल सके। पसंद आया? बहुत पसंद आया। मैंने सिर्फ ईंट पत्थर से यह मकान खड़ा किया है, अब इसे घर तुम्हें बनाना है। सोने की छत, मोती की दीवारों ने इस मकान को सजा तो दिया, लेकिन ये प्यार है जिसने इस इमारत को घर बना दिया। उनकी सोच में ऐसे खोए खोए थे हम कि जागी जागी दुनिया में सोए सोए थे हम। जयदेव, आपने मेरे लिए घर तो बनवा लिया, लेकिन मुझसे मिलने के बाद आपने मेरे लिए एक भी कविता नहीं लिखी। हाँ?
वो भी लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे मुझसे मिलने के बाद आपने मेरे लिए तो क्या कोई भी कविता नहीं लिखी। क्या करें, तुमसे नजरें ही नहीं हटती। इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। मैं भले ही कविताएं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन एक बात अच्छी है कि तुम्हें मेरी सारी कविताएं याद है। ये आपकी कविता नहीं, गालिब का शेर है। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कोई और गालिब का शेर या फिर अपनी कोई कविता सुना दीजिए। तुम क्या मेरा कोई इम्तिहान ले रही हो? कोई भी कविता, किसी की भी कविता, मैं बस आपके मुंह से एक कविता सुनना चाहती हूँ। तुम जयदेव वर्मा नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मेरा नाम अमर है, मैं जयदेव का दोस्त हूं, लेकिन जयदेव मेरा दोस्त नहीं। इतना बड़ा धोखा। जयदेव तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जयदेव से प्यार करती हो, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूं। जयदेव तुम्हें अपना बनाना चाहता है, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगा। हर बार हराया है उसने मुझे, इस बार मैं उसे हराऊंगा। मैं अगर ये बात कोतवाली तक पहुंच गई तो ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि यह अकस्मात है, खून नहीं। वो सच जो दुनिया को झूठा लगे उसे दबा ही देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, पैसों के लिए जो गलत मैंने किया था उसे अब इंसानियत के लिए सही कर रहा हूं।
ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि स्मृति के पास वक्त नहीं है। करुणा ने जाते जाते हमें स्मृति को बचाने का रास्ता दिखाया है। हमें स्मृति को जल्द से जल्द उस घर तक ले जाना होगा जहाँ अमर की लाश दबी हुई है, आज ही रात को। स्मृति के साथ साथ अमर की आत्मा को भी नहीं पता कि हम उसे कहां ले आए हैं। जब तक हम इसे वहां तक नहीं ले जाते तब तक ये कपड़ा उस आत्मा को अपने काबू में रखेगा। हमें स्मृति को कहां तक ले जाना है? चलो मेरे साथ। कुदरत का उसूल है कि एक आत्मा दो शरीरों में नहीं रह सकती। अमर की आत्मा उसके शरीर में स्मृति के शरीर से कहीं ज्यादा वक्त रह चुकी है। हमें स्मृति के शरीर को अमर की लाश के साथ शारीरिक रूप से स्पर्श कराना होगा, और जैसे ये होगा अमर की आत्मा को उसके अपने शरीर में वापस लौटना ही होगा। कुदरत का नियम है ये। एक बार अमर की आत्मा उसके अपने शरीर में प्रवेश करेगी तो हम उसे जला देंगे। आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके साथ उसके शरीर को जलाना जरूरी है। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, हर तरह बंदिश लगा दी है, इसलिए वो यहां से भाग नहीं सकती। लेकिन फिर भी इसे इस कपड़े से ढके रखना ही अच्छा है। तुम
भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। जैसे कोई निचोड़ रहा हो ऐसे। शरीर की जरूरतें बहुत सताती हैं, ना भूख मिटती है ना प्यास। आ,
प्यार करने वालों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। एक पल में सारी होशियारी गायब। अजीबोगरीब स्थिति है, आज दुनिया में शायद पहली बार किसी ने खुद अपने शरीर का अग्नि संस्कार किया होगा और ऐसा करते वक्त उसे बहुत खुशी महसूस हुई होगी। अब मुझे और मेरी स्मृति को कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं प्लीज, भगवान के लिए सब करना। बेचारा कविराज जयदेव वर्मा। नहीं, 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 स्मृति मेरी है। तुमने जीते जी तो मुझे मार ही डाला है। अब जो कुछ बाकी है उसे भी खत्म कर दो। मैं तो मर के भी स्मृति के साथ एक नहीं हो सकूंगा, लेकिन स्मृति के बिना मैं यहां जी भी नहीं पाऊंगा। भीख मांगता हूं मैं तुमसे, मार डालो मुझे, प्लीज मुझे मार डालो। मैं जीना नहीं चाहता। ना 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 कविराज, इतनी आसानी से नहीं। तुझे मार के तुझे इस दर्द से छुटकारा नहीं दे सकता मैं। तुझे तड़पना पड़ेगा, जिंदगी भर तड़पना पड़ेगा। हमें बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हमें उसकी असली लाश को कहीं और छुपाना होगा।
पूरे 2 साल 7 महीने और 23 दिन हो गए हैं आपके वादे को। ठीक इतने ही वक्त पहले आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप मेरे सामने बैठ के अपनी वो कविता मुझे सुनाएंगे जो आपने सिर्फ मेरे लिए लिखी है। मेरे ख्याल से आपको अपना वो वादा पूरा कर देना चाहिए। तो कर लो यकीन अब मैं, तो कर लो यकीन ऊपर, तो कर लो यकीन कि जो होता है कुछ तो सबब उसका। किस्मत पर यकीन कर लूं, कर लूं मैं यकीन कि तुम हो एक वजह से यहाँ, कि सुनाती हो मुझे जब भी सांसें थम जाती हैं, कि देखती हो मुझको बंद कर दी। करता हूँ तुझ में दिन गुजर मैं, करता हूँ तुझ में शब बसर, करता हूँ तुझ में ही सहर मैं, जीता हूँ तुझको देख कर। दिल तेरे बिन ठहरा सा है, तू धड़कनों का है सफर, सुबह जो थे अंधेरे हट गए।